हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आता हूं। ऐसे ही फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक हैंडसेट है और जैसे आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए होंगे कि आज हम वाईफाई सेक्शन को समझने वाले हैं, उसको रिपेयर करने वाले हैं। मैं यहाँ पास से बताना चाहूंगा, मेरे पास एक हैंडसेट है रेडमी 7A का। यहाँ पे मैं एक बार नोटिफिकेशन में बता देता हूँ, अबाउट फोन में जाके जैसा आप देख सकते हैं रेडमी 7A का हैंडसेट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। वाईफाई का अगर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे वाईफाई का जो हमारा इनेबल करने के लिए ऑप्शन दिया होता है, ये तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ये वाईफाई यहाँ पे बंद तो हो रहा है, चालू भी हो रहा है, बट यहाँ पे नीचे प्रोवाइडर का लिस्ट नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, तो मेरे पास यहाँ पे एक और फोन है, ये देख सकते हैं। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे वाईफाई का यहाँ पे इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट आती है इस तरह की, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे वाईफाई यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी वाईफाई सर्चिंग में नहीं आ रहा है, किसी भी नेटवर्क का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको फिर से बंद कर दूँ तो देखिए ये सारे चले जाएंगे, और वापस से ऑन करूं तो ये सारे के सारे वापस से, इतने सारे यहाँ पे आसपास वाईफाई के ऑप्शंस है बट यहाँ पे फ्रेंड्स ये वाईफाई नहीं आ रहा है। तो इसमें करना क्या होता है वो सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 7A का बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है डायग्राम, जैसा आप देख सकते हैं ये रेडमी 7A का हमारे पास इसका लेआउट है और ये इसका PCB का लेआउट है। तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे करना है, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो को पूरा एंड में देखिए, बहुत ही अच्छा सलूशन है आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को जरूर मिलेगा अगर आप स्किप नहीं करके देखेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो ये आपको सीखने नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आईसीयां तो हम चेंज कर देते हैं, वाईफाई की जो क्वालकॉम में आईसी होती है उसको हम WCN बोलते हैं, जिसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। तो आईसी चेंज करने के बावजूद भी कई मरतबा आपका वाईफाई काम नहीं करता है। तो आईसी क्यों चेंज करना है, कब चेंज करना है और चेंज करने से पहले क्या क्या चीजें आपको देखनी है, सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा, डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, लाइव चेकिंग भी बताऊंगा कि एक वाईफाई आईसी को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पीसीबी में हमको वाईफाई आईसी कहाँ पे ढूंढना होता है, देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे पतरे लग के हैं। तो ये तो पावर आईसी हो गया और यहाँ पे भी कुछ शील्ड वगैरह लगा के है, और अगर आप बी साइड में देखेंगे तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से बैटरी वगैरह डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए अब इसका हो गया ए साइड, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी CPU लग के है SDM 439 और यहाँ पे MMC लग के है जो कि एक सैमसंग के ब्रांड का MMC है। और ऐसे यहाँ पे देखेंगे कुछ कंपोनेंट्स है, बट यहाँ पे एक देखेंगे लाइट सेक्शन मुझे दिख रहा है और ये इसकी ग्राफिक ऐसी होती है PMI 632। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर भी करके बता देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको ये PMI 632। तो यहाँ तो फ्रेंड्स वो सिम ट्रे वगैरह है, इस साइड में तो कहीं पे भी आपको वाईफाई का आईसी नहीं होता है, क्योंकि वाईफाई का आईसी के पास आपको एंटीना वगैरह लगा होता है इस तरह का। ये तो देखिए इस तरह के एंटीना होते हैं और इस तरह के एंटीना होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक सेक्शन दिख रहा है सेपरेट। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वाईफाई आईसी है कहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं डायग्राम के पास, तो डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये हमारे पास पीसीबी का लेआउट है, पीसीबी लेआउट तो हमारे पास है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में जाएंगे और डायग्राम में जाने के बाद फ्रेंड ढूंढने के लिए आपको करना क्या है, मैं एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं, क्योंकि यहां पे तो वाईफाई आईसी कहां पे हमको नहीं पता। तो यहां पे जाना है और लिखना है WCN। जैसे आप WCN यहां पे लिखेंगे और यहां पे नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो ये देख सकते हैं वाईफाई कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक क्लॉक का सिग्नल जो है यहाँ पे इस आईसी में आ रहा है, जो कि हमारी U3001 आईसी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये शॉर्टकट मेथड बताया हूँ आपको, WCN टाइप करिए तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे सीधा सीधा वाईफाई आईसी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं WL जो होता है हमारा वायरलेस होता है, सॉरी वाईफाई की ये सारी सप्लाइयाँ होती है, BT जो मेंशन होता है ब्लूटूथ के लिए होता है, और GPS के लिए GPS होता है, FM के लिए FM यहाँ पे,
मेंशन किया होता है। तो चार चीजों के लिए आईसी को बनाया जाता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, एफएम और जीपीएस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स U3000 जो है हमारा एक वाईफाई आईसी है। तो अब यहाँ पे आके हम ढूंढेंगे इस पीसीबी के लेआउट में, तो यहाँ पे आना है और U3000 आपको टाइप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे U3000 हमने जैसे टाइप कर दिया, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर हमारा पॉप अप हो रहा है। तो ये हमारा जो सेक्शन है फ्रेंड्स वाईफाई का, U3000 हमारा ये एक आईसी है जो कि पावर आईसी के जस्ट बाजू में यहाँ पे लग के है। देख सकते हैं U3000 ये हमारा वाईफाई आईसी है। तो चलिए यहाँ पे बोर्ड में मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप देख सकते हैं ये तो हमारा पावर आईसी हो गया। तो पावर आईसी के जस्ट बाजू में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा आपको हमारा वाईफाई का आईसी, तो जो कि शील्ड पत्रा लग के है और यहाँ से देख सकते हैं ये कनेक्शन एंटीना वगैरह से ये कनेक्ट है। तो चलिए वाईफाई ना आने का रीजन क्या है, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और देखेंगे अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो इसको करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स में यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ इस तरह से। तो चलिए इसको हम उठा लेते हैं यहीं पे इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले पत्रे को रिमूव कर लेंगे। तो यहां से भी उठा सकता हूं मैं, देख सकते हैं। ये शील्ड निकालेंगे, इसके नीचे हमको WCN वाईफाई आईसी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताना चाहूंगा, देख सकते हैं WCN3615 जो कि ये इसका वाईफाई आईसी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका एक कपलर यहाँ पे लग के है व्हाइट कलर का। तो ये जो होता है फ्रेंड्स हमारा वाईफाई आईसी होता है, देख सकते हैं एंटीना यहाँ पे एक सॉकेट है, इसके बाद यहाँ से होकर के कुछ कॉम्पोनेंट के थ्रू ये यहाँ पे एंटीना तक इसकी सप्लाई पहुंच जाती है। तो वाईफाई के लिए एंटीना यूज किया जाता है जो कि अभी यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ भी लग रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आईसी को थोड़ा सा क्लीन करेंगे और क्लीन करके चेक करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स भी है, थोड़ा सा कुछ टूटे उठे भी लग रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टूटा हुआ है यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग भी हो। तो चलिए सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, तो मल्टीमीटर को रखेंगे बजर की रेंज में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार आसपास का सारे कैपेसिटर्स को चेक करते हैं। ये तो हो गया ग्राउंड, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं। तो ये पैरेलल कैपेसिटर्स है सारे जितने भी आप देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे रख सकते हैं इसको हम मल्टीमीटर को। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ, रेड ग्लो और ब्लैक से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो कहीं पे भी हमको शॉर्टिंग नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, ये तो एंटीना के लाइन से हमारे जो कि बीपी मारते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर के, इसमें किसी में भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कहीं पे शॉर्टिंग नहीं मिली है फ्रेंड्स, तो आईसी बदलने का तो अभी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने देखा फ्रेंड्स आईसी के पास तो कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर लिए, तो यहाँ पे कुछ भी कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट नहीं मिला। तो अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए जो सप्लाई इनपुट आती है, सारे जो वोल्टेजेस आते हैं वो देखना है, और इसके अलावा हमको देखना है क्लॉक की सप्लाई, जो कि पावर एसी से WCN RF क्लॉक करके एक सप्लाई निकलती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो हमारा वाईफाई एसी है वो है यू
3000। अगर आप इसमें आकर के यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर 21 नंबर पे आप देख रहे हैं एक्सो इन की सप्लाई, जो कि हमारी क्रिस्टल से ये सप्लाई आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीच में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, फिर एक कैपेसिटर, फिर एक कॉइल, उसके बाद इस लाइन को कहा जाता है WCN-XO। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे मुझे मिल रहा है एक रेजिस्टर जो कि 0 ओम्स का है, R1321। उसके बाद ये आईसी के अंदर जा रही है 43 नंबर पिन पे, और ये आईसी अगर से हम देखेंगे तो आईसी का नंबर है PM439। तो फ्रेंड्स यहां से जो क्रिस्टल की सप्लाई है जो वाईफाई के लिए चाहिए वो यहाँ से निकल के वाईफाई आईसी को जाती है। एक तो हम देखेंगे ये वाली सप्लाई और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेजेस। तो यहाँ पे जो वोल्टेजेस आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं 28 नंबर पे आपको 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद 23 नंबर पे आपको अगर देखेंगे 1.3 देख सकते हैं यहाँ पे, ये चारों पिन पे 1.3। ये FM के लिए है, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर के लिए, और ये हमारा VIO सप्लाई होता है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट। इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए देखेंगे 1.3 का सप्लाई। इसके अलावा वाईफाई के लिए एक और देखेंगे 3.3 का सप्लाई, और यहाँ पे 1.3। तो ये जो सारे वोल्टेजेस है अगर आपको चेक करना है, अगर आईसी अगर निकाल के चेक करना चाहते हैं तो इन सारे नंबर्स के गोलों पे जो आईसी हमारा यहाँ पे देख रहे हैं अंदर के जो गोले होते हैं वहां पे आप ये सारे नंबर्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आपको आईसी नहीं निकालना है तो आपको चेक करना है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इसका सारा का सारा पावर का सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे VIO सप्लाई हमको चेक करना है U3002, ये देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे R3000 के पास आप 1.8 वोल्टेज चेक करना है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर्स 3.3 का, C3005 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 1.3 की बात करें तो C3008 में चेक करना है। इसके अलावा अगर बात करें 1.3 तो ये सारे चीज यहीं पे आपको सारे कैपेसिटर्स यहीं पे दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 3.3 के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे ये VIO जो सप्लाई है हमारी, जो कि R3000 पे बननी चाहिए, जो कि 1.8 की सप्लाई होती है, LDO5 से आती है पावर AC के। तो R3000 है कहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। तो R3000 जो है IC के जस्ट नीचे यहाँ पे R3000, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बोर्ड में बताना चाहूंगा। तो R3000 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं कि GR यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 360 का GR मिल रहा है, और अगर इस साइड में भी अगर मैं चेक करूं तो रजिस्टर तो मेरा ओके है, 360 यहाँ पे GR आ रहा है। अब चेक करेंगे वोल्टेज, तो वोल्टेज चेक करने के लिए DC 20 पे डाल देते हैं, और इसको मैं यहाँ पे PCB में फिट कर लेता हूँ, और एक बार बैटरी लगा के चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे DC 20 पे मैंने रख लिया है, और यहाँ पे मैंने बैटरी और चार्जर भी लगा लिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस वाले रजिस्टर पे चेक करेंगे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे देखेंगे कि 1.8 का वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। तो ब्लैक प्रोब जैसे ही मैं ग्राउंड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जैसे ही मैंने बैटरी लगाई ये वोल्टेज आ चुका है यहाँ पे, और एक बार चार्जर निकाल के भी आपको बताना चाहूंगा। ये देख सकते हैं अभी मेरा सेट बंद कंडीशन में है, 1.8 का वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, और दूसरे साइड अगर देखूं मैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अरे वैसे ही मैंने चार्जर निकाल लिया, ये वोल्टेज चला गया। चलिए फिर से चार्जर लगाते हैं, और चार्जर लगा के चेक करते हैं, ये LDO5 से जनरेट होकर के आता है। यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहा है, और अगर इस साइड में बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे ये वोल्टेज मिल रहा है। जब तक आप चार्जर लगा के रखेंगे ये वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 1.8 VIO तो इसको मिल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए हटा दिया मैंने, फिर वापस लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वोल्टेजेस मिल जाना चाहिए। ये देख सकते हैं इस साइड में भी आ रहा है और इस साइड में भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया, सबसे पहले 1.8 का वोल्टेज हमारा मिल गया R3000 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चेक करेंगे, ये एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे ये वाला 3.3 का वोल्टेज, देखते हैं कि क्या बंद कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि ये LDO9 से आ रहा है, पावर का आउटपुट है, LDO लाइन से। तो मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं, या फिर यहाँ पे चेक करेंगे R3C3005 के पास, यहाँ पे एक पैरेलल में कैपेसिटर है C3005। तो यहाँ पे देखेंगे C3005 कहाँ पे है, तो C3005 जस्ट वाईफाई AC के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको मिलना चाहिए 3.3 का वोल्टेज। तो चलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारा ये वाला, यहाँ पे हमको मिलना चाहिए 3 वोल्टेज। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, रेड ग्राउंड करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है,
तो हमको सेक्शन को ऑन करके देखना पड़ेगा, मोबाइल को ऑन करके देखना पड़ेगा। तो ये एलडीओ लाइन्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा, आपको बेसिक में जो बंद कंडीशन में चेक करना है वो सिर्फ वीआईओ वोल्टेज चेक करना है ये वाईफाई आईसी के पास। इसके अलावा जो 3.3 और 1.3 का जो वोल्टेज है वो मोबाइल को ऑन करके, सेक्शन को ऑन करके चेक करेंगे। तो हम पहले मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। और इसके अलावा आपको देखना है क्लॉक की सप्लाई, जो पावर आईसी से आपकी एक्सो की सप्लाई, जो WCN XO की सप्लाई जो निकलती है पावर से, वो वाईफाई तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं देखना चाहूंगा, यहां पे वोल्टेज देखने से पहले मैं पावर एसी के पास क्लॉक की सप्लाई देखना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम देखें कहां पे, तो यहां पे आते हैं डायग्राम में। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं, ये तो हो गया मेरा वाईफाई एसी। और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जो है फ्रेंड्स हमारा ये वाला U1201 ये हमारा पावर आईसी होता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो डायग्राम में आएंगे और पावर आईसी पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं ये पावर आईसी का सेक्शन है PM439। अब इसमें फ्रेंड्स करना क्या है, ये वाले ए वाले सेक्शन में नहीं जाना है, हमको कंट्रोल सेक्शन में जाना है इसके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पावर का कंट्रोल सेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया या बैक करेंगे तो वहां पे आ जाएंगे ग्राउंड वाले सेक्शन में। तो यहां से जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं तो ये पावर का PM439 हमारा पावर एसी है। और डायग्राम में जो अगर हम नाम देखोगे तो U1201, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस्टल की जो सप्लाई होती है देख सकते हैं, ये क्रिस्टल 19.2 मेगाहर्ट्ज का इसमें क्रिस्टल होता है क्योंकि ये क्वालकॉम का चिपसेट है। तो ये क्रिस्टल की जो सप्लाई जो वाईफाई आईसी को निकलती है इसी सेक्शन से निकलती है, और वो सप्लाई जो निकलती है यहां से आप देख सकते हैं RF क्लॉक 2 जो कि 43 नंबर से आउट होगी, बीच में एक कैपेसिटर एनसी कैपेसिटर मैंने डॉट्स हो गए दो, और बाद में एक रेजिस्टर मिलेगा। तो अब यहां पे इस रेजिस्टर पे आप वाईफाई आईसी की क्लॉक की सप्लाई देख सकते हैं। तो इस रेजिस्टर का नंबर हुआ 1312। तो 1312 जो रजिस्टर है फ्रेंड्स यहां पे आके पावर के पास चेक कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं पावर आईसी के जस्ट ऊपर, ये देख सकते हैं पावर आईसी के यहां पे ऊपर साइड देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा। तो ये वाले रजिस्टर में हमको क्लॉक की सप्लाई चेक करनी है, जो कि हम डायग्राम में भी अगर आके देखेंगे तो यहां पे हमको WCN क्लॉक के नाम से सप्लाई दिख रही है। तो चलिए यहां पे आते हैं, तो पावर आईसी के जस्ट बाजू में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो पावर आईसी हमारा ये वाला हो गया, और इसका जो रेजिस्टर है फ्रेंड्स यहाँ से ये हमारा एनसी कैपेसिटर, और ये कोने में जो रेजिस्टर दिख रहा है आपको इस शील्ड के नीचे अगर मैं चाहूँ तो ऐसे चेक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी लगा करके मैं चेक कर सकता हूँ। ये वाला डॉट इसके साथ कनेक्ट होता है और ये पावर एसी के साथ सप्लाई कनेक्ट होती है। तो एक प्रोब यहाँ पे रखते हैं, तो इसको चेक करने के लिए ये फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा DSO, जैसा आप देख सकते हैं। तो DSO से चेक करूंगा, मेरे पास दो प्रोब है, एक तो है ग्राउंड के लिए और ये वाला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे लाल कलर है ये मेरा पॉजिटिव सप्लाई है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप DSO और ये दोनों देखिए, यहाँ पे मेरी जो क्रिस्टल जो क्लॉक की वाईफाई क्लॉक की सप्लाई है वो बनती है कि नहीं बनती है। तो ये दोनों आए जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो यहाँ पे ब्लैक प्रोब मैं ग्राउंड कर दिया हूँ और यह वाला देख सकते हैं यहाँ पे रख दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा DSO में क्लॉक की सप्लाई तो जनरेट हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं हाथ हटाऊंगा देख सकते हैं, तो यहाँ से दोनों चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। टीवी में आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, वही वाला जो रजिस्टर है मेरा यहाँ पे ऊपर है रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर पे भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ या ये कैपेसिटर के डॉट पे भी मैं चेक कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो मेरा जो क्लॉक का पल्स है वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, पावर आईसी के पास तो हमको क्लॉक का सप्लाई मिल रहा है, क्या वाईफाई आईसी तक ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वाईफाई आईसी के अंदर तक जाना चाहिए। तो यहां से रजिस्टर के बाद में वो वाईफाई के पास कहां पे जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं डायग्राम में कि पावर आईसी के पास आपको रजिस्टर से तो आउट हो गया लेकिन वाईफाई आईसी के पास किस कंपोनेंट में कहां पे वो सप्लाई हमारी आ रही है। तो चलिए यहां पे आते हैं डायग्राम में और देखते हैं पावर आईसी से, यहां से सेलेक्ट कर लेते इस वाली लाइन को क्योंकि ये रजिस्टर पे तो हमने चेक कर लिया यहां तो जनरेट हो रहे हैं पल्स, और सेलेक्ट करते हैं यहां से WCN XO क्लॉक और इसको करते हैं नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं बीच में मिलेगा एक कॉइल जो कि L3000 के नाम से है, फिर एक कैपेसिटर मिलेगा 10 पिको फराड का, उसके बाद एक सीरीज में कैपेसिटर मिलेगा 82 पिको फराड, उसके बाद ये वाली लाइन चले जाएगी आईसी के अंदर 21 नंबर गोले में। तो अब हमारी आईसी तो यहां पे लग के है, तो हम चेक कर लेंगे इस कॉइल पे जो कि L3000 हमारा कॉइल है,
ये जो सप्लाई आ रही है फ्रेंड पावर आईसी से उस रजिस्टर के थ्रू जो भी हमने चेक किए पल्स, वहीं से ये सप्लाई कॉइल पे आ रही है, कॉइल के बाद कैप से होते हुए कैप में से आईसी में जा रही है। तो अब हम L3000 कहां पे है वाईफाई आईसी के पास चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहां पे चेक किया तो ये हमारी U3000 वाईफाई आईसी, तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स वही वाला हमारा कॉइल है जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे, और L3001 जो कैपेसिटर है वो भी हमारा यहीं पे है C3001। तो हम इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं या इस कॉइल में चेक कर सकते हैं। तो ये कॉइल इस वाईफाई आईसी के कॉर्नर में है तीन कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वाईफाई आईसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी वाईफाई आईसी है, और यहाँ पे फ्रेंड्स जब हमने देखा था यहाँ से कोई कंपोनेंट टूटा हुआ हमको मिला था, तो ये हमारा कॉइल वही वाला कॉइल है जो कि यहाँ से मिसिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मिलती है तो आईसी में अगर नहीं जाएगी तो वाईफाई काम नहीं करेगा। तो हम इस कैप पे और इस कॉइल पे चेक कर लेते हैं यहाँ से डीएसओ से, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है जो कि पावर आईसी से आ रही थी। तो चलिए मैं डीएसओ से वापस से चेक करके बताना चाहूंगा आपको, इसी कॉइल पे चेक कर लेते हैं जो कि L3000 है। यहाँ पे एक बार बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कॉर्नर पे जो कॉइल है यहीं पे हम, यहाँ पे हम डीएसओ से सिग्नल चेक कर लेंगे, और यहाँ पे भी आप देखिए डीएसओ से हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो डीएसओ और दोनों का ले लेना एक साथ ताकि सारा की चीज दिख जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये कैपेसिटर पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फ्रिक्वेंसी यहाँ तक तो आ रही है। एक बार कॉइल में लगाना चाहूंगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉइल पर भी वो हमारी सप्लाई आ रही है। फ्रेंड्स यहां से उस रजिस्टर से आ करके यहां से ये आपको आईसी तक जाना चाहिए, तो मैं ऊपर के साइड लगाकर बताना चाहूंगा। तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कोई फ्रीक्वेंसी यहां पे नहीं आ रही है, और नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है, और अगर यहाँ ऊपर के साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद कॉइल के दूसरे सिरे में भी चेक करेंगे कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा वाईफाई काम करता है कि नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में एक कॉइल हमको सील निकालने के टाइम पे टूटा हुआ मिला था, तो ये नीचे गिरने के कारण कंपोनेंट मिस हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हिल जाते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरा बोर्ड मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से एक नेटवर्क सेक्शन में से एक कॉइल निकालूंगा अभी यहाँ से। तो कॉइल मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कहीं से, तो एक कॉइल मैंने निकाल लिया है फ्रेंड्स यहाँ से। तो अब हम इसको डालेंगे हमारे वाले बोर्ड में, देख सकते हैं यहाँ पे हमको लगाना है। तो लगाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे कंपोनेंट में थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, ये आपको दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कॉइल हमने लगा लिया है। एक बार मैं आपको सप्लाई भी कूल टेस्टिंग से भी करके चेक करना बताना चाहूंगा, और अभी हम सबसे पहले वापस से वही फ्रीक्वेंसी हमारी चेक करते हैं कि आईसी को अगर से ये पल्स नहीं मिलते हैं, क्लॉक की सप्लाई नहीं मिलती है, तो हमारा वाईफाई आईसी काम नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स एक बार भी हमने वीडियो को स्किप नहीं किया, ना ही इसको रोका है, कंटिन्यूअसली मैं वीडियो ले रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वापस से वही वाली फ्रीक्वेंसी आपको चेक करके बताना चाहूंगा क्या कॉइल के दोनों ओर हमको जो हमारी पल्स है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पीसीबी को फिट कर लेते हैं और एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स वापस से उसी कॉइल पे चेक कर लेते हैं, डीएसओ के साथ लेना है इसको, ठीक है, डीएसओ और दोनों कहाँ पे चेक कर रहे हैं वो भी बता देना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वापस से हम डीएसओ और वहाँ पे लेना, तो चलिए ब्लैक प्रोब करते हैं ग्राउंड के साथ और यही कॉइल पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब मैं ये ऊपर के साइड में बताना चाहूंगा आपको,
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे भी ये बन रहा है, ओके बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार हम मोबाइल को ऑन कर लेंगे और ऑन करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा लिया है और तो मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, और ऑन होने के बाद चेक करेंगे क्या वाईफाई हमारा कनेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको वोल्टेजेस भी चेक करने हैं सारे, क्योंकि मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, तो जब तक मैं आपको यहाँ पे वोल्टेजेस भी चेक करके बताना चाहूँगा, तो मल्टीमीटर हमारा डीसी 20 में ही लग के है, तो देख लेते हैं जो वोल्टेजेस हमारे आसपास में आने चाहिए। एक तो आने चाहिए यहाँ पे, देख सकते हैं अभी तक कोई वोल्टेजेस नहीं है यहाँ पे, और यहाँ तो हमारा VIO मिलेगा, ठीक है ये तो, और इस वाले कैप पे 1.4 के आसपास मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1.4, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1.8 के आसपास, और यहाँ पे देखेंगे आप तो 0.3 के आसपास। इस वाले कैप पे हो सकता है 3 वोल्टेज के आसपास आए जब हम वाईफाई को इनेबल करेंगे, अभी तो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मोबाइल को एक बार पूरा ऑन हो जाने देते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मोबाइल तो हमारा ऑन हो चुका है। तो जो हमारे अभी यहाँ एक बार हम देखेंगे वाईफाई का यहाँ पे सिंबल तो ऑन है, तो एक बार सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोवाइडर की लिस्ट आनी चाहिए जो भी नेटवर्क आपके है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जियो का यहाँ पे एक नेटवर्क सर्च कर चुका है ये, जैसा आप देख सकते हैं, और अगर से मैं यहाँ से इसका भी अगर हॉटस्पॉट ऑन कर दूँ तो हमारा वाईफाई जो है काम करने लग गया है फ्रेंड्स। अगर मेरे पास से भी अगर मैं इसका भी हॉटस्पॉट ऑन कर दूँ तो मेरा जो हॉटस्पॉट है यहाँ देख सकते हैं ओप्पो F19 Pro, और यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएटली ये कनेक्ट हो चुका है ओप्पो F19 Pro के साथ, और ऊपर हमारा वाईफाई का सिंबल भी आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं जूम करके बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं ओप्पो F19 Pro। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको वाईफाई वगैरह कुछ प्ले करके भी बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ अगर ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डालेंगे देख सकते हैं, हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं फ़ोन फिक्स के चैनल को, तो हमारा वाईफाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ऊपर कनेक्ट हो चुका है, मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा चैनल है फ़ोन फिक्स HYD का, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ से दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आते रहे। तो एक बार फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इस पे देखना चाहूँगा यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स जो 3.3 का वोल्टेज है हमारा वाईफाई का, ये यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं वाईफाई का बंद कर दूं तो ये वोल्टेज भी यहाँ से चला जाएगा, ये 3 वोल्टेज जो है हमारा वाईफाई के लिए बनता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, और यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वाले C3004 अगर नंबर निकालूं कैपेसिटर का और यहाँ पे अगर डाल दूँ 3004 के पास, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको वाईफाई के लिए 3.3 जो कि वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत कम समय में इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, होता क्या है फ्रेंड्स कभी कभार पावर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी वाईफाई क्लॉक आउट नहीं होता है, कभी कभार पावर के पास का रजिस्टर खराब हो सकता है, या वाईफाई आईसी के पास के कोई कॉल या सीरीज के कैपेसिटर खराब हो सकते हैं, या कभी वाईफाई आईसी भी खराब हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स आपको एक लाइनों की प्रॉपर नॉलेज चाहिए, मैं इसमें आपको एक सोल्यूशन देने की कोशिश किया हूं, हालांकि चेक करने के लिए बहुत कुछ है, मीडिया टेक में कुछ अलग है, सैमसंग में कुछ अलग है, ये क्वालकॉम का सीरीज है इसमें कुछ अलग है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा
कई मरतबा ऐसा होता है कंपोनेंट मिसिंग हो जाते हैं, कंपोनेंट्स टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, या लाइनें शॉर्ट हो जाती है या आईसीयां शॉर्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हमेशा आईसी खराब हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि कभी कभार कंपोनेंट मिसिंग हो या कभी कभार कंपोनेंट ओपन हो। कभी कभार ट्रैक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभार सीपीयू से भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी पावर से भी प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरत है फ्रेंड्स नॉलेज की कि कहां से शुरू होके कहां पे ये खत्म हो रहा है, ये आपको सीखना है। तो वाईफाई में फ्रेंड्स होता क्या है, आईसी के अंदर क्वालकॉम में WCN वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, इस आईसी में FM ब्लूटूथ और वाईफाई सारी सैटेलाइट के लिए एक ही आईसी काम करती है। इसमें FM की भी कुछ लाइनें होती हैं, इसमें GPS की भी लाइनें होती हैं, इसमें आपको ब्लूटूथ का भी लाइनें होती हैं, बहुत सारी क्यूलिंग की लाइनें आती हैं सीपीयू से। तो ये एक एक आईसी की बॉल की डिटेल हम क्लास में सिखाते हैं, आपको अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट बैच हमारा 27 दिसंबर से है, ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और भी अच्छे से अगर वीडियोस देखना चाहते हैं नए नए प्रॉब्लम के ऊपर, तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे किन टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू, सर्किट के थ्रू आपको प्रैक्टिकल वीडियोस में समझाने की कोशिश करें। और काफी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे वीडियोस में जाकर देखिए आप। वीडियोस के सेक्शन में हार्डवेयर के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हैं, EMC के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हैं, जो कि एक फोनफिक्स हैदराबाद की टीम अपने आप को हमेशा अपडेट रखती है और आगे रहती है। रिसर्च में हमारा टाइम बहुत देते हैं ताकि हम सबसे आगे निकले। और देश का भरोसा है, बच्चों का भरोसा है, टेक्नीशियन भाइयों का भरोसा है, उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, उनको अच्छे से अच्छा सिखाने की समझाने की कोशिश करते रहेंगे। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मेन चैनल अभी बंद हो चुका है फ्रेंड्स, ये फोनफिक्स HYD का, ये न्यू फोनफिक्स HYD के नाम से हमने दूसरा चैनल बनाया है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे 27 वाले बैच में। थैंक यू वेरी मच।